को नाजरीन प्रोग्राम टेस्ट रोम के साथ मैं हूं सलील यूपी। नाजरीन इनकम टैक्स गोशवरा जमा करवाना कौमी फरीजा है और सबको जमा करवाना चाहिए जो टैक्स नेट के दायरा कार में आते हैं। हमारे टैक्स गोशवरों की तादाद पॉपुलेशन के मुताबिक 0.01% है जो कि ना होने के बराबर है और जो हमारे टैक्स टारगेट हैं वो भी ना होने के बराबर हैं क्योंकि हुकूमती अखराजात ज़्यादा है और जो आमदन है टैक्स आमदन बहुत कम है। टैक्स गोशवारों को किस तरह बढ़ाया जा सकता है और टैक्स पे को किस तरह एतमाद में लिया जा सकता है, गैर मुल्की कर्जों से किस तरह निजात मुमकिन है और इनकम टैक्स गोशवारा 2022 की तारीख में तोसीन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं हमारे टैक्स अमूर हैं, उनके साथ मौजूद हैं अशरफ उमर साहब, आप सबक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं हमारे टैक्स अमूर हैं, और लाइन पर मेरे साथ मौजूद है राना मुनीर हुसैन साहब, आप सब हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा इनकम टैक्स गोशवारा जो कि 1 जनवरी को आना चाहिए वो 1 जुलाई को अवेलेबल होता है पोर्टल में, लेकिन उससे पहले जो डिस्कशन के लिए उसको बेहतर बनाने के लिए वो रखा जाता है उसमें जो कमियां कई हैं दूर की जानी चाहिए, वो मुकम्मल होकर 1 जुलाई को आना चाहिए, लेकिन ये इनकम टैक्स गोशवारा आज भी 22 सितंबर या 23 सितंबर हो चुकी है डेट, लेकिन अभी तक उसमें जो तकनीकी खराबियाँ हैं, रिफंड का कालम है, दीगर जो मसाइल हैं, आप क्या कहेंगे ये गोशवारा मुकम्मल है, फिल है, तो जिन लोगों ने बनाया वो वाकई एक्सपर्ट थे? देखिए, इनकम टैक्स का जो रिटर्न है ना वो 30 जुलाई को, वैसे तो 1 जुलाई को अवेलेबल होनी चाहिए फाइनल फॉर्म में, इस मरतबा थोड़ी लेट आई थी और अभी तक मेरे ख्याल से तो ये नामुकम्मल है। उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज़ इट इज़ छोड़ दी गई, जो पिछले सालों से मसाइल पिछले साल भी निशानदेही हुई थी वो उसी तरह छोड़ दी गई है, जैसे सर्विसेज सेक्टर की जो इम्प्यूटेबल इनकम एट मिनिमम टैक्स की और नॉर्मल लॉ की वो वैसे की वैसी है, अल्लाह पिछले साल हाई कोर्ट में एक अंडरटेकिंग दी गई थी FBR के से बाद में उसको वायलेट किया गया। इसी तरह रिफंड एडजस्टमेंट का एक कॉलम होता था जो कि बिल्कुल लीगली हमारा राइट है, अगर किसी टैक्स पेयर का किसी साल में रिफ़ंड है तो वो उसको एडजस्ट करने का उसका हक है, उसको जानबूझ के ख़त्म कर दिया गया, ना उसके अंदर कोई पब्लिक डिस्कशन की गई। ये मैं तो समझता हूँ कि ये जो लीगल तरीका है टैक्स रिटर्न को प्रूव कराने का वो अडॉप्ट ही नहीं किया गया, उसके ऊपर पब्लिक कमेंट्स होते हैं, पब्लिक ऑब्जेक्शन होती है, उसके बाद ओपन हेयरिंग होती है, उसके बाद रिटर्न की कहियत फाइनलाइज होती है, ये सारा प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो ही नहीं किया गया, इसलिए मैं तो समझता हूँ ये रिटर्न इनकम्प्लीट है और इसकी तो डेट अभी तक मेरे हिसाब से बनती कोई नहीं, फाइलिंग बनती नहीं है। अशरफ कुमार साहब, क्योंकि आप FBR में रह चुके हैं, आप बेहतरीन चीज़ों को जानते हैं, जो हमारे इनकम टैक्स गोशवारा बनाने वाले हैं आप समझते हैं वाकई इस काबिल हैं, जिस तरह आप ये टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं 2018-2019 की जो रिटर्न एमनेस्टी थी जो उसमें डिक्लेयर किए गए असासे जो भी एमनेस्टी दी गई उनका क्रेडिट उसमें उन रखना था जो कि नहीं रखा गया, उसकी वजह से पीछे भी ऐसे हुआ करोड़ों रुपये लोगों के बैंक उसने निकलवा लिए, एक तरफा फैसले किए गए, ऑनलाइन नोटिस किए गए, लोगों को पता नहीं था हमारा नोटिस भी होगा, एक तरफा फैसला भी होगा, बैंक पैसे भी निकाल लिए गए, ऐसी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाता है वो गोशवारा ही है टैक्स पेयर को, जिसकी वजह से उनको दिनी कोफ्त भी होती है, माली मुश्किल का भी सामना होता है और दीगर बहुत से मसाइल। एमनेस्टी स्कीम का जो गोशवारा जो वेल स्टेटमेंट थी या उसका एक रेट एक पहले तो उसका गोशवारा जो है वो फिल किया जाता था एमनेस्टी स्कीम का, उसके बाद 2018 में वो पूरा डाटा जो है वो उसमें रिफ्लेक्ट कर दिया जाता, तो इसलिए अगर वो देखा जाए तो टेक्निकली उसके अंदर वो सारे एसेट्स जो टैक्स पेयर ने डिक्लेयर किए होते हैं वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद फिर अगर किसी का ये इस तरह से बेशुमार केसेस सामने आए हैं जिसको ये समझते हैं कि ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि किसी बंदे ने कोई गाड़ी ख़रीदी है, कोई मकान ख़रीदा है, कोई प्लाट ख़रीदा है, तो अब वो उसकी वेल स्टेटमेंट को नहीं देखते, वो उसको नहीं देखते कि ये इसने एमनेस्टी में डिक्लेयर किया हुआ है, वो उसको डायरेक्ट नोटिस देते हैं, डायरेक्ट नोटिस देने के बाद अगर वो लिख के भी उनको दे देता है, ऑनलाइन रिप्लाई भी दे देता है, ऑनलाइन रिप्लाई को कोई ऑफिसर चेक करना पसंद ही नहीं करता और उसका नतीजा ये निकलता है कि एक ह्यूज अनड्यू टैक्स जो है वो उसको क्रिएट करके टैक्स पेयर के लिए मसाइल पैदा किए जाते हैं, और फिर यही मैटर जो है ये अपीलों में जाता है, अपीलों में फिर
जाके तो अल्टीमेटली जब उसको उसका डिसीजन आता है उससे पहले वो टैक्स पेयर के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं या उसको पता ही नहीं चलता भाई इस बल्कि एफबीआर ने पर्टिकुलरली एक 218 सेक्शन के तहत एक सर्कुलर जारी किया था कि ये जो मैनुअल सर्विस है ये भी मैंडेटरी है सीपीसी के तहत जो आनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपने आईआरएस से नोटिस भेज दिया तो वो एक फाइनल। अब देखिए हमारा जो लिटरेसी रेट है वो कितना है। अगर लिटरेसी रेट ऑफिसर जो 8 घंटे ड्यूटी पे बैठता है उसके सामने सिस्टम रखा होता है उसको चेक भी कर रहा होता है टैक्स पेयर तो बाद तो महीना महीना पर मेल नहीं चेक करता अपना सिस्टम नहीं चेक करता उसके बाद वो मैकेनिज्म भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि उस बेचारे ने कौन सा अपनी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल किया होता है कि उसको पता हो कि ये उसने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल किया है उसके अंदर क्या है उसने डाटा डाला है कौन क्या उसकी ईमेल है क्या उसका मोबाइल नंबर है। तो अब वो जिस मोबाइल नंबर पे जाता है हो सकता है कि वो उससे रिलेट ही ना करता हो टैक्स पेयर के इलम में ही ना हो। और यही हाल अपीलों का है। हमने देखा है कि कई अपीलें एक्स पार्टी बहज इस वजह से हो गई हैं कि उसको टैक्स पेयर को 3 मैसेज गए हैं उसने उसकी कंप्लाइंस नहीं की और कमिश्नर अपील ने वो फैसला एक्स पार्टी कर दिया है कि जी ये एक ऑफिसर से मिलकर आ रहा था वो वहाँ पे डिस्कस हो रहा था अपील का फैसला हो गया ट्रिब्यूनल में मैडम आशा पाजी ने वो फाइनल उन्होंने भी ऑर्डर कर दिया टैक्स पेयर को पता ही नहीं उसको बैंक से पैसे भी कट सारा कुछ हो गया। वो तो ये है कि जैसे ही ऑर्डर कंफर्म होता है महकमा एक सेकंड नहीं लगाता उसके सारे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ उसका बैंक अकाउंट है वो सब उसको फ्रीज कर लेता है और वो विड्रॉ कर लेता है। अशरफ साहब सारे जितना भी अलमिया जन्म लेता है टैक्स पेयर को बदगुमान करने के लिए उसको डिपार्टमेंट से खौफ ज़्यादा करने के लिए या उसको फंसाने के लिए या उसे करप्शन का अलमिया कुछ भी जो वट एवर जो जो आज जितने मसाइल हैं ये इनकम टैक्स गोशवारे से शुरू होते हैं सर। इनका सर ये बेसिक डॉक्यूमेंट जो है ये है हमारा गोशवारा है यानी सबसे पहले आप समझें कि टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन जिसमें वो अपना पूरा प्रोफाइल फिल करके देता है कि जी ये मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है ये मेरे घर का एड्रेस है ये मेरा मोबाइल नंबर है ये बिजली का बिल है ये मेरा अकाउंट नंबर है और ये मेरा बिजनेस का नाम ये नेम एंड स्टाइल वो सारी चीज़ें उसको फिल करके प्रोफाइल अपनी मुकम्मल करके वो महकमे के हवाले कर देता है। पहला डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद जब वो एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो फिर ये उसकी रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है कि उसने अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस हर साल उसने जो है वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है ये मैंडेटरी है उसके। उमर इकबाल भाई साहब इनकम टैक्स गोशवारा ही है जिसकी वजह से आज इमरान खान साहब भी तोशा कलम केस दूसरे केसों में उनका नाम आ रहा है नवाज शरीफ साहब के जितने केसेज हैं इनकम टैक्स गोशवारा में अपने जो असासे इजहार नहीं किए जरदारी साहब के जितने केसेज हैं ये सिर्फ इनकम टैक्स गोशवारा ही है जिसकी वजह से वो कौन से। देखें जो इनकम टैक्स गोशवारा है वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है उसमें आपने वो आपका अपना डिक्लेरेशन है जिसमें आपने डिक्लेयर करना है कि आपकी आमदन कितनी है और उसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट लगनी है जिसमें आपने अपने असासे ज़ाहिर करने हैं या अपनी लाइबिलिटी ज़ाहिर करनी है। अब उसमें होता ये है कि मैं लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा आपके तरफ से कि ये जो ऑनलाइन मैसेजेस आते हैं ना कि मैं 1200 रुपये में आपकी रिटर्न भर देता हूँ मैं 100 रुपये में रिटर्न भर देता हूँ अल्लाह के वास्ते इनके पास ना फंसें क्योंकि ये तमाम गोशवारे गलत भर देते हैं लोगों के। और ज़्यादातर केसेस जो मैं अपीलों में देखता हूँ मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर तमाम एसेट्स क्लियर होते हैं सोर्सेज मौजूद होते हैं लेकिन सिर्फ गलत रिटर्न भरने की वजह से वो केस बन गया होता है। यहाँ पर जो पैसा कम है वो सिर्फ 1200 रुपये में जो रिटर्न भरेगा वो आपको यकीनन ऐसी मुसीबत में फंसाएगा कि आपको 12 करोड़ टैक्स लगवा देगा उससे बचे वो जेल साज है जैसे डॉक्टरों में अताई हैं उनसे बचे वकीलों में ये टैक्स के ये अताई लोग हैं ये जो 1250 रुपये में। देखिए बेसिक डॉक्यूमेंट आपका गोशवारा है और मेरी ये टैक्स हुकाम से भी अपील है कि इस वक्त का इनकम टैक्स गोशवारा इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि ज़्यादातर इनकम टैक्स कमिश्नर उसको प्रॉपरली फिल नहीं कर सकते। ये तो प्राइवेट आप कह रहे हैं सब जो 1000-1500 लेते हैं वो नुकसान करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे भी हैं जो जाके मार्केटों में उसमें
वो भी सारे लोग आगे आ जाते सर, वो सारे गलत भरते हैं, यही मैं आपको बता रहा हूँ। चूंकि मैं तो आपको भी बता रहा हूँ कि इवन कमिश्नर जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न अगर बनना चाहे ना तो उसको भी एक दफ़ा, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से 70% लोग सही तरह रिटर्न फिल कर सकेंगे। इतनी टेक्निकल रिटर्न है, इंडिविजुअल के केस में अगर वो कारोबार कर रहा है, आपने रिटर्न के अंदर उस कारोबार की बैलेंस शीट देनी है। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कारोबार की 5 लाख आती है रिटर्न, उनमें किसी चंद 100 को छोड़ के किसी में वो बैलेंस शीट का कॉलम नहीं फेल हुआ होता, सब 0-0 करके भर देते हैं। ख़ासतौर पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं और ये हमारे नीम हकीम किस्म के वकील हैं, वो उन लोगों को बेचारों को ख्वार कर देते हैं। बाद में जितने केसेस उनके ऑडिट में आते हैं वो सारे के सारे हिट हो जाते हैं। मतलब वो रिटर्न नहीं भर सकते तो फिर रिटर्न से पकड़ते किस तरह? सर वो इस तरह पकड़, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपने एक रिटर्न फाइल कर दी, अब आपने एक चीज़ खरीदी, आपने एक गाड़ी खरीदी, आपने गाड़ी खरीदी अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो वो बिजनेस कैपिटल में कवर्ड होती है। अब आपको नोटिस आया, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है एक्साइज डिपार्टमेंट से, एक लिस्ट आ जाती है कि ABC ने साल में इतनी गाड़ियां खरीदी हैं, वो उस ए को नोटिस देता है कि आपने गाड़ी खरीदी है। वो कहता है जी ये गाड़ी तो मैंने कारोबार में डिक्लेयर की, इट इज़ कवर्ड अंडर माई कैपिटल। तो वो जब वो चेक होता है उस वक्त, तो वो बैलेंस शीट नील की फाइल होती है, उस वक्त आपके खिलाफ कंसीलमेंट का केस बन जाता है। तब पता लगता है कि आपकी रिटर्न खाली गलत भरी हुई है। चूँकि 70% केसेस में कभी नोटिस आता ही नहीं है, इसलिए वो तो निकल जाते हैं। लेकिन जिन केसेस में इस तरह की कंसीलमेंट पकड़ी जाती है, वहाँ पर बेचारे टैक्स गुजार को करोड़ों रुपये टैक्स लगता है। तो टैक्स पेयर अगर रिटर्न गलत भरवाता है उसकी वजह से वो पकड़ा जाता है, जो रिटर्न बनाने वाले जो उसके कॉलम्स हैं, वो जो बनाए जाते हैं, उनमें जो गलतियां हैं, वो टैक्स है। मैं आपको इसकी आम मिसाल देता हूं कि अगर मैं सर्विस सेक्टर से हूं, अगर मैं कुछ ऐसे लोगों को सर्विसेज देता हूं जिन्होंने मेरा टैक्स काटना है, तो वो मिनिमम टैक्स में फाल करते हैं। और मैं कुछ ऐसे लोगों को जो निजी किस्म के लोग हैं उनको सर्विस देता हूँ, वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में फाल करते हैं। अब जब रिटर्न में मैं जाकर दोनों को भरता हूँ तो वो दोनों का मिनिमम टैक्स निकाल देता है, हालांकि वो लीगली ट्रीटमेंट गलत है। वो जो नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला है उसको मिनिमम टैक्स नहीं लगना। अब आपकी रिटर्न आज भी इसी तरह कैलकुलेट करी है। बेसिकली FPR की जो कोशिश है ना, वो थ्रू रिटर्न लेजिस्लेशन कर रहा है, जिसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। रिटर्न के अंदर मुझे आज़ादी होनी चाहिए कि मैं अपनी कंपटीशंस कर सकूं, महकमे के पास हक है, बाद में उसको 122 लगाए, उसको अमेंडमेंट करे, उसकी असेसमेंट करे। लेकिन मेरा हक कि मैंने अपने व्यू पॉइंट या अपनी समझ के मुताबिक या लॉ के मुताबिक जो रिटर्न भरनी है उसके ऊपर बंदिश लगाई जाती है। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन मेरे साथ लाइन पर मौजूद है राना मुनीर साहब, आप सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। सर ये बताइएगा, गोशवारा फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है, जबकि उसमें तकनीकी मसाइल जो आ रहे हैं उनको आप किस तरह देखते हैं? इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो एक प्रेस्क्राइब्ड एक डॉक्यूमेंट है जो कि FBR ने हर साल उसको इशू करना होता है, और ये प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट जो है वो बगैर किसी गलती के, बगैर किसी एरर के, उसको जनवरी में हर साल आ जाना चाहिए। ये कानून में लिखा है। आपने देखा पिछले सालों में जो इनकम टैक्स की रिटर्न थी वो तो बहुत ही लेट आती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो FBR ने काफ़ी एफ़र्ट्स की, और उस एफ़र्ट्स में जो है उसका नतीजा ये हुआ कि ये रिटर्न हमारे 1 जुलाई को हमारे सामने थी, और ये बहुत अच्छा इकदाम था FBR का। लेकिन उसमें हुआ ये कि उस रिटर्न में बहुत सारी गलतियां थीं, और उस गलतियों को दुरुस्त करते करते जो है वो अब ये वक्त आ गया है। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने एक बहुत डिटेल्ड लेटर FBR को लिखा और उसमें पॉइंट आउट किया कि इस रिटर्न में ये एरर्स हैं, इसको प्लीज़ आप दुरुस्त कर दें। और इस पर FBR ने बड़ी खसूसी तवज्जो दी, और उसकी जो जितनी टीम है वो हरकत में आई, और उसमें से कुछ गलतियां जो हैं उनको दुरुस्त कर लिया गया है। आज की तारीख में काफ़ी सारी जो गलतियां हैं वो दुरुस्त हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ गलतियां जो हैं वो एज इट इज़ ही मौजूद हैं,
और उसकी वजह से जो लोग हैं वो प्रॉपर रिटर्न फाइल नहीं कर सक रहे हैं। तो गोया के आज अगर हम देखें तो हमारे पास रिटर्न फाइल करने के जो टाइम है 30 सितंबर तक वो सिर्फ 8 दिन का है। तो 8 दिन में जबकि स्टैट्यूटरी टाइम जो है वो 9 महीने का है, तो 9 महीने कहाँ और 8 महीने कहाँ, 8 दिन कहाँ। तो अब 8 दिन जो हैं इसमें ये रिटर्नें फाइल करना नामुमकिन सी बात है। ये जो इस का तल्लक जो है चूँकि डायरेक्ट FBR से है और FBR भी ये समझ रही है कि ये वाकई बात दुरुस्त है कि ये रिटर्न में गलतियां मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि ये जो 30 सितंबर आखिरी तारीख है इसके लिए ये इसको FBR को इसको बढ़ाना पड़ेगा। और ये एक्सटेंशन जो है वो अगरचे आनी चाहिए टैक्स गुजारों की तरफ से आनी चाहिए, बार्स की तरफ से आनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से आनी चाहिए, लेकिन ये रिक्वेस्ट ना भी आए क्योंकि ये फॉल्ट जो है ये FBR का अपना फॉल्ट है और उस फॉल्ट की बिना पर इस रिटर्न को की डेट को जो है उसको एक्सटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये FBR ख़ुद ही जो आप सुओ मोटो इस पर एक्शन लेके इसकी जो डेट है वो उसको एक्सटेंड कर देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब डेट एक्सटेंड हो जाए तो फिर हम वही बैठें और आखिरी दिन जिस दिन आखिरी दिन हों और हम ये कहें कि जी अब इस डेट को और एक्सटेंड करें, मैं समझता हूँ वो दुरुस्त नहीं होगा। तो मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम टैक्स गुजारों से और तमाम अपनी बरादरी से कि आप इसके ऊपर काम करते रहें करते रहें करते रहें और जब लास्ट डेट आ जाए तो फिर जो है वो चंद एक रिटर्न जो है वो फाइल करने वाली हो, बजाय इसके कि हम जो हमारी नेचर है हमारी मिनहसल कौम हम जो है वो आखिरी दिन में ही काम करते हैं। तो खुदारा वो ना कीजिए, बल्कि इसको रेगुलरली ये एक अहम ज़िम्मेदारी है, एक कौमी ज़िम्मेदारी है, एक कानूनी ज़िम्मेदारी है, इसको इस तरीके से लेकर इस पर मतवातर काम करते रहें। राणा मुनीर साहब, आप समझते हैं कि गोशवारों की तारीख में 30 सितंबर से आगे तौसी होनी चाहिए या नहीं? मुल्क में सैलाब की सूरत हाल गंभीर है, बिजली की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, डॉलर का उड़ान है जो रुकने का नाम नहीं ले रही, आवाम का बुरा हाल है, ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की तरजीहात क्या होनी चाहिए? तौसी होनी चाहिए और ये मुतालबा जो है ये हम नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, ये तो सी हालात की पेश नज़र जो है उसकी करनी चाहिए। हालात जो हैं उसको भी हमने मद्देनज़र रखना है कि मुल्क के हालात क्या हैं। 30 सितंबर तो हमने उसकी आखिरी तारीख फिक्स कर दी, लेकिन किसी के क्या मालूम था कि मुल्क में इतना बड़ा जो है वो मामला हो जाएगा और इतना लोग जो हैं वो इसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं इसको भी हमें मद्देनज़र रखना होगा। अगरचे सैलाब जो है वो ज़्यादातर देहात पे आया है, लेकिन हमारी मईशत जो है हमारी जो कारोबार है उसका तल्लक बहुत सारा वो देहात के साथ है और देहात जो है वहाँ से हमें अनाज मिलता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अनाज का कारोबार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको भी मद्देनज़र रखना है कि मुल्की हालात क्या हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि लोग रिटर्न फाइल करना चाह रहे हों, लेकिन रिटर्न के साथ चूँकि जो टैक्स बनता है ज़रूरी है कि वो उसके साथ जमा कराया जाए, अगर वो टैक्स जमा ना कराया जाए तो रिटर्न फाइल ही नहीं हो सकती है। तो इसको भी हमने रखना है, इसका मद्देनज़र रखते हुए लोग रिटर्न फाइल करना भी चाहते हैं लेकिन उनके पास टैक्स जमा कराने के लिए रकम ही नहीं है, तो हमें उनको रिलैक्स करना होगा, उनको फैसिलिटेट करना होगा कि वो अपनी न सिर्फ रिटर्न फाइल करें बल्कि जो टैक्स ड्यू है उसको वक्त के साथ रिटर्न के साथ प्रॉपरली जो है जमा करा के प्रॉपर रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़े। अगर हम रिटर्न की डेट नहीं बढ़ाते हैं, ये बड़ा एक बहुत ही अहम इशू है, और हम लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते हैं, लोगों को टैक्स अदा करने में फैसिलिटेट नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? वो तंग आमद बजांग आमद लोग जो हैं वो रिटर्न फाइल ही नहीं करेंगे। तो जब रिटर्न फाइल ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपके जो टैक्स गुजार हैं इनकी तादाद और कम हो जाएगी और उनसे बाद में रिटर्न लेना उसके लिए जो है वो FBR को बहुत ज़्यादा मशीनरी चाहिए, बहुत ज़्यादा उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए
फिर हम जो है उनसे रिटर्न ले सकेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है कि इस मौका को जो है हमने मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को फैसिलिटेट करें ताकि हमारी जो रिटर्न्स हैं जो लोग खुद ब खुद हल करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आ सके। राणा मुनीर साहब, आप ये भी आखिर में बताइएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद में इजाफा होगा और जो टैक्स अहदाफ हैं वो भी पूरे होंगे या नहीं? मैं समझता हूँ ये गोशवारे भी जो है वो जितने पिछले साल आए थे उससे ज़्यादा जो है वो गोशवारे आ सकते हैं, और जो टारगेट हमने फिक्स किया हुआ है वो हम टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमने करना क्या है कि हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों को रियायत देनी है कि वो अपने जो है मसाइल को देखते हुए, अपने मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए वो जितना आसानी के साथ अपना गोशवारा दाखिल कर सके वो करें, और जितनी आसानी के साथ वो टैक्स अदा कर सकते हैं वो अदा करें। टैक्स थोड़ी लेट ले लेना अच्छा है बजाय इसके कि वो टैक्स जो है वो हमें वसूल ना हो। तो ये गवर्नमेंट को इस पर सोचना होगा, बार बार सोचना होगा कि मौजूदा हालात में हमने एक तो कानूनी पेचीदगियाँ हैं और दूसरी जो बात है वो मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए वो उनको फैसिलिटेट करना होगा। और मैं नहीं समझता कि ये गोशवारे जो हैं हम पिछले साल से ज़्यादा नहीं ले सकते, हम पिछले साल से गोशवारे ज़्यादा भी ले सकते हैं और हम टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। सिर्फ जो है वो हमें बुर्दबारी से काम लेना होगा, हमें लोगों को फैसिलिटेट करना होगा। जी बहुत शुक्रिया राणा मुनीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। अशरफ कमर साहब, हमारे जो गोशवारे बनाए जाते हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं उनको मुताबिक बनाए जाते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरकस है, क्योंकि जब उसमें तमाम इंडिविजुअल के भी, कारोबारी के भी और दीगर तमाम उनको इकट्ठा कर दिया जाता है जिससे टैक्स के रेशियो में भी फ़र्क पड़ जाता है। आप क्या समझते हैं, इनको बेहतर नहीं किया जा सकता? इनकम टैक्स की जो रिटर्न है, गोशवारा है, ये इंतहाई कम्प्लिकेटेड है। इसको सिंप्लीफाइड होना चाहिए, वन पेजर होना चाहिए। नंबर दो, जिस तरह यूरोप में 25-25, 30-30 साल तक उसके अंदर कोई चेंज नहीं लेके आते जी जी। और लोग अपनी रिटर्न जो है वो खुद भर लेते हैं जी जी। यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है हमारा, वो ये है कि हम हर साल गोशवारा एक उसकी पूरी उसकी शक्ल चेंज कर देते हैं। वो पहले जो टैक्स कंसल्टेंट ने उसको स्टडी किया होता है, उसको देखा होता है, उसने उसको थारोली एग्जामिन किया होता है, वो अगले साल वो देखता है कि ये बिल्कुल उसके अंदर जो है वो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। नंबर दो, चले ये भी चाहिए, अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर भी दी हैं तो ये भी टॉलरेट उसको भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो हालत ये है कि हाई कोर्ट की जो रूलिंग है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसको महकमा मानने को तैयार नहीं है। आप ये देखें कि जो हमारा एक सेक्शन है 153(1)(c), ये कॉन्ट्रैक्टर की रिसीट, ये यानी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है, कॉन्ट्रैक्टर रिसीट्स हैं। इसका जो रेट है वो शेड्यूल में तो दिया हुआ 7% जी जी, लेकिन 7% का इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कॉलम ही कोई नहीं है। सही कह रहे हैं, उन्होंने उसको 7.5 रखा हुआ है। अब ये बताएं कि ये जो इनकम्प्लीट रिटर्न है ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है और इसके ऊपर वो जो 90 डेज का एप्लीकेशन है वो तो होती नहीं है जी जी। इन सर्कमस्टांसिस में कॉम्प्रिहेंसिव जो आप कह रहे हैं ये कम्प्लीट नहीं है, ये किसी सेंस में भी कम्प्लीट नहीं है। आप इसको देखें, इसमें रिफंड आ रहा होता है बंदे को वैसे कॉलम में, तो वो जो सिस्टम बता रहा होता है उसको एडजस्टेबल करने के लिए उसमें कॉलम में जगह होनी चाहिए जो उसका रिफंड है उसको। सर एक तो ये है कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसको तो ऑटोमेटिकली आना चाहिए। चले अगर ऑटोमेटिकली नहीं भी आता जी जी, तो अब देखें इसमें ये डिस्पेरिटी क्या है कि जो आयरस में रिटर्न है जी जी, उसके अंदर वो कॉलम इन्होंने डेलिब्रेटली ओमिट कर दिया है ताकि लोग जो हैं वो अपना रिफंड की एडजस्टमेंट की बजाय वो उसको पे करें, उसको जी जो जी उसकी लाइबिलिटी बनती है उसको पे करें और जो रिफंड है वो उसकी एडजस्टमेंट ना करें। और इसके वैसा वर्ष आप देखें जो मैनुअल रिटर्न इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है उसके अंदर वो कॉलम मौजूद है जी जी। और उसकी भी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो मैनुअल रिटर्न इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो है 13/9/2022 को। सही कह रहे, और मतलब उसका ड्राफ्ट उसका दिया, ड्राफ्ट के साथ ही उसको 13/9 का मतलब ये है कि आज है 22 आज 22 है।
आज 22 है, इसके आप दिन लगाने कितने हुए? रात में लाइव प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें हमने लिया हुआ था एफबीआर के बंदों को, दोस्तों को, तो वो बता रहे थे ये जो रिफंड्स के कालम है इनको हम दुरुस्त कर रहे हैं और ये अगले हफ्ते तक हो जाएंगे, लेकिन 30 सितंबर तो आखिरी तारीख है, 8-9 दिन तो बीच में रह गए। इसको छोड़ दें सारी बातों को, ये उन्होंने ठीक कर रही है या नहीं कर रही, आप वो उस इशू को लेके चलें जो 153(1)(b) का है जी जी। अब वो बंदे का लाखों रुपया उसने टैक्स कटवाया हुआ है, जब वो उसको वहाँ से जब वो अपनी नॉर्मल इनकम में जाता है तो उसकी बाकी सारी इनकम के साथ वो क्लब हो जाता है, उसका क्रेडिट जो है वो उसको नहीं मिलता और उसका एक ह्यूज उसकी डिमांड निकल आती है। सही करें, आप ये समझ लें कि ये उसको उसकी डबल क्या है, उसकी ट्रिपल टैक्सेशन हो जाती है। और ये लास्ट टाइम भी ये हाई कोर्ट में भी डिस्कस हुआ है, लेकिन उसका अल्टीमेटली रिजल्ट कोई नहीं निकला और वही यानी उसकी डायरेक्शन को हाई कोर्ट की को फॉलो नहीं किया गया। उमर साहब वैसे हम 75 साल हो गए हैं गोशवारे, तो हर साल ही नया बनता है हमारा, हालांकि चंद कॉलम बदलने चाहिए साल बाद, गोशवारा तो जनवरी से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि जब रूल्स हम टैक्स रेट के बढ़ते हैं या कम होते हैं उसकी वजह से हमें एक दो कॉलम बदलने की ज़रूरत है, लेकिन हमारा तो सारा गोशवारा ही बदलता है। लेकिन इसमें ऐसा कॉलम नहीं होना चाहिए जिसमें अगर कोई लोन देता है या कोई एडवांस देता है या लेता है, या लोन देता है या लेता है, या वो गिफ्ट कुछ देता है या लेता है, उसका उस CNSE डाल दिया जाए, उसका ख़त्म ही हो जाए, जो टैक्स ऑफिसर है उसको चेक करता है उसके पास सारी मालूम वैसी हों, परेशानी कोई ना हो और ना टैक्स पेयर को कोई परेशानी उठानी पड़े। आपको मैं बताऊँ, हम ज़रा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। गोशवारा के अंडर लॉ 90 डेज पहले फाइनलाइज शक्ल में आना ज़रूरी है। अगर जो मैनुअल जैसे रिटर्न फाइनलाइज हुई 13/9 को, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन बनती है 13 दिसंबर तक। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते मैं 30/9 तक एक गोशवारा दूं, क्योंकि अंडर लॉ 90 डेज में उसके गोशवारा आने के बाद मैंने फिलिंग करनी अगर है। वो गोशवारा दिस इज इन मुकम्मल है। जी मुकम्मल, कोई गलती नहीं है। जब गोशवारा मुकम्मल होके पब्लिश हो जाएगा विद इन 90 डेज उसके हमने रिटर्न्स देनी है। इसका मतलब ये है कि इसकी ऑफिशियली डेट 13/12/2022 बनती है 90 दिन की। अब आपने जो बात की कि ये गिफ्ट का कॉलम होना चाहिए और बंदे का NIC कॉलम होना चाहिए, जो लेने वाला भी या देने वाला भी, जो यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ। हम आगे कह रहे हैं कि रिटर्न को सिंपलीफाई करें। देखें, आपने रिटर्न ली है किसी से, आपको मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि इस वक्त इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का गोशवारा नहीं भर सकता, एक अच्छा भला कंसल्टेंट नहीं भर सकता। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है गोशवारा लेने, आप जानबूझ को कॉन्सेप्ट हो लेने का तो आसानियाँ पैदा की। देखिए उसके बाद कहता है हर गलती के ऊपर बेशुमार पेनल्टी है, डुप्लीकेशन है, एक ही मालूमात 3-3 दफ़ा ली जा सके, जैसे फॉरेन इनकम और फॉरेन वेल्थ वेल्थ स्टेटमेंट में भी अलहदा से मैंने भरनी है, और अगर नहीं मैं उसके बाद 116A में भी दोबारा भरनी है, उसकी रिटर्न भी फाइल करनी है, अगर नहीं मैं फाइल करता तो उसके 5-10% उस तक टोटल वैल्यू मेरे पेनल्टी लग जानी है। इसका मतलब क्या क्या मुझसे डुप्लीकेशन करा रहे हैं, वही चीज़ वेल्थ स्टेटमेंट में भी मांग रहे हैं, इनकम टैक्स में भी मांग रहे हैं, और वो 116A में मांग रहे हैं। इसी तरह आप क्या करें, लोगों को छोटी छोटी बातों पर अगर किसी से गलती होगी है उसको पेनल्टी 182 में लगा देते हैं, अगर कोई लेट फाइलिंग करता है उसको भी पेनल्टी 182 पे लग रही है, उसको नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में डाल दिया जाता है। अपना इस लीगल जिम्मेदारी के विद इन टाइम रिटर्न लेके नहीं, उसके ऊपर बिल्कुल खामोश है, उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं, उसके ऊपर कोई सर जुर्माना सेकंड बैलेंस नहीं। सर मैं कहता हूँ उन ऑफिसर्स की भी तो पासपोर्ट करें, ये कौन सा तरीका टैक्स पेयर को आप मोहसिन है, वो तो पाकिस्तान का मोहसिन है, उसको पैसे देता है, पाकिस्तान को कमाई के ऊपर अपनी टैक्स देता है, उसका भी फ़र्ज है मोहसिन का भी, लेकिन उसी मोहसिन को अब बाने बाने से इतनी पेनल्टियाँ और इतने मुश्किल और टैक्स से ज़्यादा पेनल्टी है, जुर्माने बेशुमार बनता है, तो 2000 उस पर सर आप जुर्माने होते हैं। आप समझें कि एक एक दिन की एक नॉन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट की लोगों को करोड़ दो करोड़ रुपये पेनल्टी लगते हैं, उस स्टेटमेंट की फाइलिंग की जिसके अंदर टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो वहाँ पर दी थी 2 लाख होती है, उसके ऊपर 2-2 करोड़ रुपये इस वक्त पेनल्टियाँ लग रही हैं। मैं कहता हूँ हाईकोर्ट और ट्राइब्यूनल की बेशुमार जजमेंट्स आ गई हैं कि जहाँ पर किसी का टैक्स का लॉस नहीं है उसको पेनल्टी मत लगाएं, ये लगाए जाते हैं। अहकाम हैं, जजमेंट हैं, ऑर्डर हैं, फिर ट्रिब्यूनल या अपील कमिश्नर या दूसरे ट्रिब्यूनल में मेंबरान क्यों नहीं मानते सर, अमल क्यों नहीं करते सर? इसके वजह है कि ये जो रोज़ाना तो हिन्ने अदालत खाली सियासतदानों पर लगती है ना, इनके ऊपर भी 3-4 दफ़ा लगनी चाहिए। जिस दिन इनके अब देखें, असल जो तोहिन अदालत होती है वो वायलेशन ऑफ ऑर्डर की और ऑर्डर की कंप्लाइंस के अंदर होती है।
मैं खुद असल में यहाँ पर इस फोरम पर मैं खुद कई केसों में वकील हूँ जहाँ पर मेरे रिफ़ंड इस्टेब्लिश हो के रिफ़ंड के ऑर्डर हो गए हुए हैं, हाई कोर्ट FTO उनको कह रहे रिफ़ंड दे दें, वो रिफ़ंड नहीं देते। हाई कोर्ट बुलाता है कमिश्नर साहब, वहाँ पर जाकर बड़ी दीदा दिलेरी से बताते ये मसला है, वो मतलब वो रिफ़ंड नहीं देते हाई कोर्ट के सामने, तो वो बोलते भी नहीं है। फिर वो हाई कोर्ट कल शाह जमील साहब ने बहुत डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है। देखिए शायद अगर आप शायद जमील साहब की पिछली 50 जजमेंटें देखें ना, उनमें 45 में उन्होंने मुख्तलिफ डायरेक्शनें दी हैं महकमे को उसकी कंप्लायंस लेवल को बेहतर करने के लिए, उनकी कॉम्पिटेंस बेहतर करने के लिए। पर मैं आपको बताऊँ उन 45 पर आज तक कभी डिपार्टमेंट अशरफ कमर साहब, टैक्स गोशवारा तादाद बढ़ने में आप क्या समझते हैं, ये टैक्स गोशवारा कॉम्प्लिकेटेड है ये वजह है या और कोई वजूहत है जिनको आज तक डिपार्टमेंट पे एड्रेस नहीं कर सका, या टैक्स बार जो दूसरे टैक्स होल्डर हैं वो नहीं एड्रेस कर सके, या टैक्स पेयर जानबूझ के इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी अशरफ कुमार साहब, ये आर्टिकल 213 में हर अथॉरिटी बाउंड है कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को मनोवन तस्लीम करे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे, उसको माने, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता जी। और ये सारी लोअर कोर्ट्स के ऊपर जो है वो बाइंडिंग है, और इसको अगर आर्टिकल 184 के साथ मिला के पढ़ें, वो आला लिया है उसका तो हाँ, तो आप ये देखें कि वहाँ अगर वो उसको ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता, उसको नहीं माना जाता, तो फिर आप इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। नंबर दो, आपने ये अभी ये सवाल उठाया है जी, बढ़ने में तादाद रिकावट उसमें ये है जी कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो कल्चर है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ कि हम इनकम टैक्स का गोशवारा दाखिल करें। नंबर दो, इसमें जितनी कॉम्प्लिकेशन मौजूद हैं उसके होते हुए ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि ये गोशवारों की तादाद बढ़ेगी। उसमें अल्टीमेटली लोग जो है पेनल्टी कबूल कर लेते हैं, वो उसको कई साल तक रिटर्न नहीं फाइल नहीं करते, उनको कोच नहीं किया जाता कि ये देखें आपने नेशनल टैक्स नंबर ले लिया है, अब ये आपके लिए मैंडेटरी हो गया है कि आपने हर साल रिटर्न देनी है। ऐसा नहीं है कि आपने नेशनल टैक्स नंबर तो ले लिया, या किसी को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करानी थी तो वहाँ रेट जो है वो नॉन फाइलर का 5 है तो फाइलर का 2 है, वो फौरी तौर पे वो गया किसी बंदे के पास, उसने 0-0 की उसकी रिटर्न फाइल कर दी और वो फाइलर हो गया, और बाद में उससे पूछा ही नहीं गया, बाद में पूछा भी नहीं जाता आपका गोशवारा क्यों नहीं आ रहा। नहीं, गोशवारा क्या, आप देखें 0-0 का है तो किसी बंदे ने उसे ये पूछा ही नहीं है कि ये 0-0 तो तुमने भर दिया, ये प्रॉपर्टी कैसे ले ली भाई। सही कह रहे, और ये देखें जितने ये बड़ी वजह है, ये जितने रजिस्ट्री मार रहे हैं या उनके पास जो क्लर्क हैं, जो उनके एजेंट हैं, गाड़ियों को बड़े बड़े जो मालका स्टोर बना के बैठे हैं शोरूम, वो ऐसे ही करते हैं, वो टैक्स बचाने के लिए वो 5,000 रुपया उसको देते हैं बंदे को जो उनके पास बैठा होता है, वो उसको 0-0 करके तो वो दे देता है उसको, उसको ये बताया ही नहीं जाता जो उसका, उसको शायद पता भी ना हो मेरे क्लाइंट को, ये भी नहीं पता था मेरा एंटीन बन गया जनाब, मैं टैक्स नेट में शामिल हो चुका हूँ, वो कहता मुझे पैसे उसने पूरे दिए होते हैं। नहीं सर, इस तरह से है कि वो जो पैसे बचाने का एक बहुत बड़ा ये ट्रिक है, उसको नहीं बताते कि भाई तुम नॉन फाइलर हो, उसके ऊपर तो वो पूरा 5% चार्ज कर लेते हैं जी जी। उसकी निल निल की करके गोशवारा उसका दाखिल कर दिया, अब जब उसका गोशवारा चला गया तो वो 5% उसका बच गया। नहीं वैसे भी क्या कमर साहब, जिस तरह वो 2000 मुशरफ दौर में उसमें 26 लाख से गोशवारे ज्यादा चले गए, फिर अब जब 2008 से लेकर हम 2018 तक देखते हैं तो 12-13 लाख ही रहे गोशवारे। सर उसकी वजह ये थी, अब 30 लाख से अब हुए थोड़े। हाँ सर, उसकी वजह ये थी कि वो एक सिंगल पेज की रिटर्न थी और उसमें ये टैक्स पेयर के पास एक बहुत बड़ा कुशन था कि जो आपने डिक्लेयर कर दिया है वो हमने मान लिया जी जी। हम आपसे नहीं पूछेंगे कि ये अगर उसकी वो 10 लाख से ऊपर उसकी चली जाती है इनकम, तो उसके लिए तो था कि वो रेगुलर रिटर्न भी जो है वो देगा, टैक्स भी पे करेगा, और अगर उसे उसकी नीचे रह जाती है तो उसको कोई यूज़ नहीं, वो मतलब उसका लोगों ने बेनिफिट जो है वो ये भी लिया कि अच्छा खासा वो बंदा टैक्स दे रहा था तो उसने BTL रिटर्न देनी शुरू कर दी,
लेकिन ये है कि रिटर्नों की तादाद बड़ी, फिर उसमें एक और जो है सबसे बड़ी एक इंट्रोडक्शन उन्होंने करवाई थी वो ये महबूबुल हक जो उनके वजीरे थे, वजीरे ख़जाना, उसने कहा जी आप पोस्ट ऑफिस में जाएं, वहां पर जाके अपना शनाख्ती कार्ड दें, जो शहर वाला है छोटा दुकानदार वो 900 रुपया उसका पे करके अपना कार्ड ले जाए, अपनी जाके दुकान के ऊपर वो उसको लगा ले, चश्मा कर दे, जो गांव वाला है वो 450 का ले ले। अब देखें उसमें उसने ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी, ना उसने कोई और उसको कोई बाकी कबातों में उसको पढ़ना, तो ऐसी सूरत हाल में तो गोशवारों की तादाद बढ़ेगी ना। सेक्शन 181 के जरिए तो वो कहता है अपना जो सर्टिफिकेट है NTN का उसको चश्मा करें दुकान के बाहर, वकील भी तो अपना वो लगाते हैं ना लाइसेंस को दीवारों पर चश्मा किया होता है, तो उनको टैक्स पेयर को भी करना चाहिए ना सर, वो कर भी लेगा उससे सर, उससे वो ठीक है लॉ के अंदर मौजूद है 5000 उसकी पेनल्टी है अगर वो डिस्प्ले नहीं करता, लेकिन उससे कोई इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा वैसे जितने 30 लाख के गोशवारे हैं उसमें तो जो जिनकी सिफर की रिटर्न जाती है नीड की वो भी 10 लाख होंगे, और 10 लाख ऐसे भी होंगे जो 5000 या 2500 टैक्स जमा करवाते होंगे, टैक्स पेयर तो उनमें जो टैक्स देने वाले हैं तो वो तो कंपनियां चंद होंगी सर, वो 1000 भी नहीं होंगे, 100 के करीब होंगे। सबसे ज़्यादा उसके अंदर तादाद होती है सैलरीड पर्सन की। जी जी, वो भी सरकारी मुलाजमी ज़्यादा होते हैं, सरकारी मुलाजम हो गया या कारपोरेट का मुलाजम या किसी भी तरह का है जी जी। उसका टैक्स की डिडक्शन ऑलरेडी उसकी हो चुकी होती है जी जी। उसमें फर्दर उसने कुछ नहीं करना होता, उसने सर खाली एक गोशवारा देना है तो वो उससे जो है वो तादाद बढ़ती जाती है। उनको गोशवारा ये लादा किए जा सकते हैं सैलरी पर्सन के जिनके नेम, लेकिन एक सफे में सादा सादा सर एक स्टेज ऐसी आई थी कि उन्होंने कहा जी ये जो सैलरीड पर्सन है ना इसका चूंकि टैक्स कट जाता है इसको रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है जी जी। अच्छा ये कुछ अरसा ये सिलसिला चलता रहा तो फिर इनकी जो गोशवारों की तादाद है वो बहुत नीचे आ गई। अच्छा उस वजह से नीचे आई थी, उस एकदम से वो सैलरी पर्सन छोड़ दिए गए, सैलरी पर्सन बीच में से निकाल दिए गए। लेकिन अगर आज तक देखा जाए कभी डिपार्टमेंट ने या हुकूमत ने सोचा जो हमारे टैक्स पेयर जो नेट में थे टैक्स अदा भी करते थे आज गोशवारे नहीं दे रहे तो क्या वजूहत है, कभी उनको पूछा गया, कभी उनको पर एक्शन लिया गया? जिस तरह 10 साल से मैं सुन रहा हूँ 1.5 करोड़ बंदों का हमारे पास डाटा मौजूद है, अब एक्शन होगा, एमनेस्टी आती है, जो इसको अवेल नहीं करेगा उसके बाद ये एक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, हुआ तो आज तक कुछ नहीं, इसी वजह से सबसे ज़्यादा कमजोर सर ये एक डेटरेंस वो देते हैं लोगों के। देखें अगर अगर डेटरेंस को अगर आप देखें तो ये डेटरेंस कामयाब रही है हमारे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उसने एक जनरल सर्वे कंडक्ट करवाया था जिसमें FBR कस्टम वो तो 2008 में सर्वे हुआ नहीं सर, ये 2000 की बात, 2008 में सर्वे हुआ नहीं सर, ये 2000 की बात, 8 में नहीं था, ये 2000 में उसने एक जनरल सर्वे करवाया जिसमें आर्मी की इन्वॉल्वमेंट थी, FBR के जितने एम्प्लाई थे वो सारे वो हेड कर रहे थे उसको, सड़कों पे आ गए, सड़कों के ऊपर गए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके उन्होंने सर्वे किया और उसकी डेटरेंस ये पैदा हुई कि लोगों ने समझा कि यार मेरे घर का जो बिजली का बिल है, बाकी मेरे अखराजात तो हैं वो तो अपना 10 लाख रुपया तो टैक्स में दे रहा, जो मैं गोशवारा भर के दे रहा हूँ वो 3 लाख का, तो उसकी वजह से फिर वो थोड़ा सा इन्होंने कोई मीडिया में भी वो उसको बड़ा हाईलाइट किया कि हम ये फुटस्टेप से अब पकड़ लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो फिर लोगों ने यही मुनासिब समझा कि हम अपनी गोशवारे जो हैं वो फाइल करने शुरू कर दें। तो निज़ाम भी तो ज़ालमाना है वैसे ना, ये है तो खौफ का है, अखलाकियात की तो नाम कोई चीज़ की इसमें है नहीं है, लेकिन अखलाकियात के साथ दो पार्टनर भी हैं, हुकूमत और जो टैक्स पेयर है दोनों पार्टनर भी हैं, पार्टनर के दरमियान टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है जो अपना किरदार अदा करती है, अगर उसका किरदार परफॉर्मेंस अगर वो हुकूमत चाहे तो बेहतर हो सकती है, हुकूमत क्या चाहे तो उनको तो FBR को बॉन्ड कर दिया जाता है, आपने ये टारगेट 6150 रुपये को पूरा करना है, ये हमें नहीं है पता, मारो बदों को, जलाओ, खून निचोड़ो, जहन्नम में डालो किसी को निकालो, हमें कोई गलत, हमें टारगेट पूरा चाहिए, तो फिर वो FBR क्या करेगा, टारगेट भी पूरा करेगा, फिर टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए या टैक्स गोशवारों को बढ़ाने के लिए उसके पास अफसर के पास कोई टाइम है, उसको शायद अपने ज्यूरिडिक्शन का भी नहीं है पता मेरी कहाँ कहाँ कौन कौन से इलाके मेरे अंडर में आते हैं। सर इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है उसको हमने एक टैक्स कलेक्शन का ज़रिया बना लिया, जैसे आप 236K है, 236C है, यानी प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर टैक्स, प्रॉपर्टी की परचेज के ऊपर टैक्स। सही कह रहा मैं अच्छा सर, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ उमर साहब, मुझे ये बताइए सर्कल जोन जो पहले थे वो बेहतर थे जो आपका मौजूदा निज़ाम है ये बेहतर है? अभी भी तकरीबन वो सर्कल जोन वाला निज़ाम ही चल रहा है,
ये इन्होंने वापस रिवाइव कर दिया हुआ है। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये क्योंकि विल ही नहीं है, आप टैक्स कलेक्ट नहीं करना चाहते, पॉलिटिकल विल भी नहीं है और सरकारी विल भी नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली एक टैक्स लगाया था ताजरों के ऊपर, जो मेरे हिसाब से ताजरों के लिए बड़ा सूटेबल था कि वो बिजली के बिलों के थ्रू इनकम टैक्स को पे, वो थोड़ा सा एहतजाज हुआ हुकूमत ने वो भी ख़त्म कर दिया। जो एहतजाज करते हैं वो टैक्स भी नहीं देते, सही तो ये वो यही तो असल बात है ना, मौका ही नहीं है। आप सिर्फ टैक्स उनसे लेते हैं जो पहले ही टैक्स दे रहे होते हैं, आप उनको निचोड़ना शुरू कर देते हैं, उनको सुपर टैक्स में लाल देते हैं, उनके ऊपर 7E का टैक्स लगा देते हैं, उनके ऊपर जाकर आप CVT लेवी कर देते हैं, आप उन्हीं लोगों के ऊपर बार बार आरी चलाते हैं जो ऑलरेडी दे रहे हैं टैक्स। अगर आप देखें इस वक्त, अगर देखें पाकिस्तान के अगर 30 लाख गोशवारे आ रहे हैं ना, तो इसके अंदर आर्मी के, चूँकि उन्होंने कहा जी हम तनख्वाह नहीं रिलीज़ करेंगे जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो वो 3 लाख बंदा वो रजिस्टर्ड हो गया। सरकारी अफसरों को कहा गया, 40 लाख सरकारी अफसर है पाकिस्तान में, उनको कहा गया अभी रजिस्टर कराएं। इसमें 13 से 15 लाख तो ऐसे लोग हैं जो इनसे ताल्लुक़ रखते हैं 2 महकमों से, उसकी वजह से ये इंक्रीज़ है। फिर आपके 8 लाख निजी मुलाजम है जो सैलरीड पर्सन जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो आप मुझे बताएं 8 और 15 22 लाख तो यही निकल गए बीच में जो सैलरीड है। उसके बाद जो नेल की रिटर्न है वो 6 से 7 लाख आती हैं। आपको जो रिटर्न जिसमें टैक्स आता है वो 1 लाख है, और उसमें से जिसमें 10 लाख से ऊपर इनकम डिक्लेयर है वो तकरीबन 30,000 रिटर्न है, 30,000 रिटर्न है जो जो 10 लाख या उससे ऊपर इनकम डिक्लेयर करते हैं, ये वो लोग हैं 30,000। आपके जो कॉर्पोरेट्स देखिए आप समझ जाएंगे, 2200 जो कंपनी है, 2200 मैं अभी खाली कंपनियाँ 64,000 रजिस्टर्ड हैं, उनमें से भी जो बड़ी LTU में 550 के करीब कंपनी है जो पाकिस्तान के टैक्स पेमेंट का 50% से ज़्यादा दे रही हैं आपको जी, जी, तो बाकी लोग तो दे ही नहीं रहे हैं। अच्छा, उस LTU में भी हुकूमत की कंपनियां ऐसी हैं जो हुकूमत पाकिस्तान की अपनी कंपनी है 2,000 अरब रुपए से ऊपर टैक्स दे रही हैं, टैक्स अदाव का हिस्सा तो वो हुकूमत पाकिस्तान देती है, OGDC, PPL, नेशनल बैंक, ये सारे वो इदारे हैं जो इस वक्त टॉप टैक्स पेयर्स हैं, ये PSO ये सारे तो टैक्स दे रहे हैं, सारी सेल्स टैक्स की कलेक्शन भी यही इदारे करा के दे रहे हैं। 85 जो परसेंट विद होल्डिंग है फिर यही इदारे का सरकारी कर रहे हैं, बाकी तो आप बैंक्स हैं। अच्छा उमर साहब, जिस तरह अभी अशरफ कमर साहब फरमा रहे थे, या तो वो खौफ क्रिएट किया जाए जो मुशर्रफ दौर में हुआ था, फिर लोग सर यही है दूसरा तरीका, मुशर्रफ में अभी मुशर्रफ दौर में जो टैक्स सर्वे हुआ, मैंने खुद उसको टैक्स सर्वे हो गया, बड़ा खौफ क्रिएट हुआ, उसके बाद रिजल्ट क्या है, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने नहीं उसके ऊपर किया ही कुछ नहीं, वो जितनी इंफॉर्मेशन थी वो कागज पकौड़ों के अंदर इस्तेमाल हुए और वो बिकते थे, उसके ऊपर आज तक उस सर्वे का डाटा ही नहीं यूज किया गया। दिस इज द पॉलिटिकल विल विच इज लैकिंग। हम सारे यहाँ पर मुख्तलिफ मफादात को तहफ़ देते हैं। पाकिस्तान में मैं कह रहा था इमरान खान को ने POS का इंटीग्रेशन शुरू की थी, इस हुकूमत ने आके उसको फिर रोक दिया, अगर उसके ऊपर 10,000 अरब पर जा सकते थे। कोई शक नहीं जो बंदा खर्चा करेगा सेल्स टैक्स मसावियाना टैक्स, मैं समझता हूँ मैं अगर एक चीज़ खरीदता हूँ मैं पैसे दूंगा, अगर मैं नहीं खरीदता मैं नहीं दूंगा, तो जो लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं वो उतना ज़्यादा सेल्स टैक्स देते हैं, इसको मसावियाना टैक्स कहते हैं। आपने उसको रोक दिया और उसकी बजाय ताजरों को एक इतनी आसान स्कीम दी कि आपके बिजली के बिलों के थ्रू हमसे, उन्होंने वो भी नहीं माना। अच्छा दूसरा ये खल भी है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रिम्स बनाया सॉफ्टवेयर, लोगों को टैक्स नेट में रेस्टोरेंट्स पर लेने के लिए उनके इनवाइस लें, तो उस पर इनाम भी रख दिया, गाड़ियाँ रख दी दूसरे, अब तो वो बंद कर दिया, लेकिन ऐप भी आपने अब POS पे शुरू कर लिया है। सर ये अगर इस पे रिटर्न जो बरवक़्त फाइल करने वाला है इसको भी कोई रिबेट दिया जाए, इसको भी इनक्रेज किया जाए, तो वैसे भी लोग टैक्स गोशवारे फाइल करें वक्त से पहले करें, उसका मुमकिन है, बड़ा लालच दिया जा सकता है, लालच हकीकत सर ये मैं कहता हूँ इनाम किसको कहें, लालच के इनाम देना चाहिए लोगों को। आप समझने की कोशिश करें, आप इंसेंटिवाइज करके लोगों को ला सकते हैं, वैसे नहीं ला सकते आप, अगर लोगों को डरा धमका के वो वक्त जो आजकल माफियाज बन गए हैं पाकिस्तान में, वो एहतजाज शुरू कर देते हैं और वो सारा का सारा तो सुबह से लेकर शाम तक फोन कॉलों पे लूटा जा रहा है लोगों को, उनका कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर, डिपार्टमेंट ना पुलिस ना इधारे कुछ। अभी हमारे स्वात में और ये KPK में तालिबान बता ले रहे हैं टैक्स ले रहे हैं, तो वो खौफ की वजह से तो वो ले रहे हैं टैक्स, कोई कुछ नहीं कर सकता, यानी कि ये इनाम दिया जा सकता है उसको बेहतर। अच्छा उमर साहब, जैसे हालात जा रहे हैं मुल्क के, हमारे हालात हैं सियासी अदम इस्तेकाम है, सलाब की सूरत हाल है, तो ऐसे में आप समझते हैं ये जो 30 सितंबर की डेट है ये आगे जाएगी, आपको लगता है? सर ये तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो गैर की, अगर हम मैं कहूँगा 30 को डेट फाइनल है तो ये गैर की बात है,
कराची सारा सैलाब की वजह से तबाह हो गया। अभी उन ताजरों को सुकून का सांस तो लेने दें, वो रिटर्ने तो बाद में भरेंगे। सिंध डूबा हुआ है, बलोचिस्तान डूबा हुआ है, आपको रिटर्ने इस वक्त तो रिटर्ने 20% तक अभी तक सर सानवी मसला है पाकिस्तान का। इस वक्त तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंतहाई क्राइसिस में है, महंगाई अरूज पे है, लोगों के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। कुछ आटक आपका ये टैक्स टारगेट मुझे बड़े शदीद खतरे में लग रहा है। आपकी जो वेल्थ है $30 बिलियन इरोड होगी सैलाब में। आप पाकिस्तान का GDP मैं माइनस देख रहा हूँ। आप आज मेरी बात लिख कर रख लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस साल। ये थैंक्स टू दिस इम्पोर्टेड हुकूमत। आपकी तो हुकूमत के अंदर कोई चांस ही नहीं है इसका बढ़ने का, कोई GDP ग्रोथ नहीं होगी। आज मेरी बात इस प्रोग्राम में रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा कि 30 जून 2023 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ नेगेटिव आएगी, क्योंकि सामने नजर आ रही है आपके टारगेट वगैरह जिनको हम देख रहे हैं। ये हम कहाँ खड़े होंगे सर? टारगेट क्यों इन्हें IMF को बताना चाहिए, गैर हकीकी तो बातें ना करें। ये टारगेट बड़ा मुश्किल है, उसकी वजह ये है कि आपने खुद के देख लिया है कि सैलाबजदा मुल्क है, आफत ज़्यादा, ये कैसे टारगेट पूरा होगा? तो सैलाबजदा है ना, और दूसरे जो सैलाब ज्यादा नहीं है वहाँ पे रोजाना जो कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई का जो तूफान हो रहा है, ने इस वक्त लोगों का जीना हराम कर दिया है। मैं लोगों का महंगाई का मसला है, बिजली के बिलों का मसला है। ये देखे हम टैक्स चोरी की तरफ मायल हैं, हम बिजली चोरी की तरफ मायल हैं, हम हर तरह के सरकारी वाजबात की चोरी, उसकी वजह है। ये खाली ये नहीं है कि माइल क्यों है, 60 रुपये का यूनिट आम आदमी नहीं खरीद सकता। ठीक है, अगर वो तो पंखा भी चलाने का रवादार नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं, इसको कुछ सोचें किस तरफ लेके जाना। ये हुकूमत आई थी बड़ी बुलंद दावे करके महंगाई ख़त्म कर देंगे। ये मिफ्ता इस्माइल साहब TV पर बैठ के थे तो मैं 12 रुपये का यूनिट कर दूंगा, मैं 30,000 मेगावाट पर ले जाऊंगा। अभी कंजम्पशन 27,000 मेगावाट पर है, आपने 60 रुपये का यूनिट कर दिया। वो तो नारा ये भी लगाया था अगर पैकेज IMF से मिल गया तो $200 भी नीचे नीचे आ जाए। कुछ तो बताए। अच्छा इस वक्त हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ ये है कि यार मैं अक़वामे मुत्तहिदा से ख़िताब कर लूँ, वो शेरवानियाँ यानी कि इस तरह कर रहे हैं मुल्क को छोड़ कर, तबाही बर्बादी की दास्तान है। अशरफ कुमार साहब क्या तजवीज देंगे आखिर में, किस तरह हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? सोल्यूशन तो है ना सारा कुछ? हाँ नहीं बिल्कुल सोल्यूशन तो है। देखिए ये जब तक टैक्स पेयर को कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता। अब मैं अभी यूरोप में पिछले दिनों में गया हुआ था, तकरीबन 8 मुल्क में ये घूम के आया हूँ। उनका कोई टैक्स कल्चर को भी मैंने एग्जामिन किया, उनका जुडिशल सिस्टम वो भी मैंने देखा। तो वहाँ देखिए हर जो भी उनका शहरी है ना, वो सबको हर महीने उसकी ट्रीटमेंट होनी होती है, उसका मेडिकल जो है चेकअप होना है, उसने डॉक्टर के पास जाना है, फ्री ऑफ कास्ट उसकी वो सारी है। और अगर वो अगर वो कोई बंदा उसका जो सिटीज़न है वो अनएम्प्लॉय हो जाता है जी, उसके तो वो गवर्नमेंट उसको जो है जितना उसने वो टैक्स जमा करवाया है उस रेशो से उसको 6 माह तक जी उसको करती, उसको इंसेंटिव देती है कि जी ये आप पैसे लें अपना गुजारा करें। 6 माह के बाद वो कहती है कि अच्छा भाई अब भी आप कोई काम नहीं कर रहे, सबसे पहले आप अपनी गाड़ी बेचें। अच्छा, क्योंकि आप काम नहीं ना कर रहे तो अब आप अपनी गाड़ी बेच दें, यानी कि जानबूझ के जो काम ना करें। हाँ देखे ना वो कुदरत को किसी काम नहीं ना मिलता। नहीं देखे 6 माह तक उसको बार बार वो कहते हैं फलां जगह पे जाओ, फलां जगह पे जाओ, फलां जगह पे जाओ। हुकूमत खुद नौकरी ढूंढ के देती है। हाँ खुद नौकरी ढूंढ के देती है, वो नहीं करता तो वो कहते हैं जी ठीक है 6 माह तक तो हमने आपको ये जो स्टाइपेंड वगैरह जो इंसेंटिव है वो हमने आपको दे दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि जी अच्छा जी अब आपके पास ये लग्जरी गाड़ी है ना, आप इसको बेच दें। हाँ सड़क पे है, थोड़ा सा एहसास हो आपको। हाँ अच्छा, वो फिर भी कुछ नहीं करता। उसके बाद कहते हैं यार ये जो तेरे पास घर है ना ये भी बेच दे। सही है, उसके जाओ कहीं और होम में चलो, नहीं काम करना तो ना करो, मुल्क की इकोनॉमी में अगर आपने हिस्सा नहीं डालना तो ना डालें, लेकिन बाकी उसको फैसिलिटी जो है वो मिलती रहेगी। जी जी, मतलब उसकी ट्रीटमेंट फ्री होगी, वो जहाँ जाएगा उसको मेडिकल फैसिलिटी। कितने मौके दिए जाते हैं, कितने मौके दिए जाते हैं? हमारे यहाँ किसी को मौका भी नहीं दिया जाता। मौका क्या देना है जी, हमारे तो यहाँ वो सिस्टम डेवलप हो ही नहीं पाया। जैसे उमर साहब कह रहे जो इस शिकंजे में आ गया, जाल में फंस गया, उसकी खैर नहीं है, फिर उसका यहाँ कचुम्बर ही निकलेगा। चाहिए तो ये है कि ये कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जो है वो टैक्स पेयर के लिए इंसेंटिव अनाउंस करे, उसको कहें जी ठीक है आप ये टैक्स पेयर देते हैं ना तो ये आपका कार्ड है,
अब जाएं हॉस्पिटल, आपको लगता है डेट आगे चली जाएगी? 100% जाएगी। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम की जो आपने गुफ्तगू सुनी, इनकम टैक्स गोशवारा हुकूमत को देना चाहिए जो इसके नट में आते हैं, लेकिन हुकूमत को भी और FBR को भी जो मौजूदा टैक्स पेयर है उनके लिए कोई ऐसा रिलीफ, कोई ऐसा इंसेंटिव देना चाहिए ताकि वो तो खुश हो सके जिनको 75 साल से हर बार उनको ही निचोड़ा जाता है, उनके लिए कोई ऐसा रिलीफ पैकेज दिया जाए ताकि जो टैक्स नेट में नहीं है वो पछताएं। अगर हम भी टैक्स नेट के अंदर होते तो आज हमें भी ये सहूलतें मिल रही होती, आज हम भी इनसे लुत्फ़ होते जो आज टैक्स पेयर हो रहा है। ऐसा कोई रिलीफ, ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई निज़ाम बना दिया जाए तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। अगले प्रोग्राम तक के लिए हफ़्ज़ुल रहीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।